देर आर लॉट ऑफ वीडियोज जो आपको बाइक्स के बारे में, उसके मतलब स्टैट्स के बारे में बताने के लिए कि भैया कितने लीटर की टंकी है, कितना माइलेज देती है अप्रोक्सीमेटली जो उनको कंपनी ने बताया है, या फिर कितने चौड़े टायर हैं, कितने इंच का रिम है, कितने BHP है, कितना टॉर्क है, क्या राइडिंग हाइट है, कितना व्हील बेस है, ऐसे बताने के लिए बहुत सारे वीडियोज हैं नेट पे, बहुत सारी साइट्स हैं। पर जो एक ओनरशिप एक्सपीरियंस वाला जो वीडियो होता है ना, जो जेन्युइन वीडियो है, वो मैं भी बहुत वेट करता था या मैं भी ढूंढता था इंटरनेट पे और सब जगह कि कहीं ऐसा एक जेन्युइन मिले, या जो लोग इस ट्रैवलिंग में और जो बाइक खरीदना चाहते हैं ना, उनको ना वो सब चीज़ें नहीं चाहिए चमक धमाक, उनको ना रियलिटी जानने, मेरे को ऐसा होता है कि उनको रियलिटी जानने का बहुत होता है कि एग्जैक्टली रियल एनवायरनमेंट पे ये बाइक कैसे परफॉर्म करेगी, नो रियल एनवायरनमेंट्स में, वो वीडियो हम वेट करते हैं या देखना चाहते हैं। और यही सोच के मैं ये एक ओनरशिप एक्सपीरियंस ये वीडियो बनाना चाहता हूँ कि रियल सिचुएशंस में हाउ दिस बाइक परफॉर्म्ड इन एवरी एस्पेक्ट। मैंने पहली बाइक खरीदी थी बजाज एवेंजर, तो तब तो मैंने बस ले ली थी क्योंकि मेरे को वही लेनी थी। पर उसके बाद जब मैंने ZMR ली, क्योंकि मैंने थोड़ा ट्रैवलिंग में था, क्योंकि मैंने एवेंजर से स्टार्ट करी थी, फिर थोड़ा जब ट्रैवलिंग करी तो नो डाउट एवेंजर बहुत बढ़िया थी। तो उसके बाद फिर मेरे को जब चेंज करने की बारी आई, तो मैं फिर उस हिसाब से बाइक ढूंढने लगा जो सब चीज़ें मेरे को चाहिए थी, फलाना ढिमकाना, तो बहुत रिव्यूज़ देखे। तो कभी कभी आप इंटरनेट पर पढ़ते हो या वीडियोज़ देखते हो यूट्यूब पर ना, तो जो एक ओनरशिप के मतलब कहीं कहीं थोड़े बायस्ड वीडियोज़ बहुत जगह होते हैं, मतलब हर जगह होते हैं, कुछ पेड रिव्यूज़ भी होते हैं, पर अनबायस्ड कभी कभी आप अपनी बाइक में कुछ चीज़ें ऐसी देखना चाह रहे हो, आपको पहले से ही पता है या आपको ऐसा लगता है कि अरे बाइक इस चीज़ में अच्छी होगी या इस चीज़ में अच्छी नहीं होगी, और जब आप ऐसे कुछ रिव्यूज़ देखते हो और फिर आपको वही सुनने को मिलता है उसी टाइप से उसके समथिंग अराउंड, तो आपका वो जो बिलीफ है वो और स्ट्रांग हो जाता है उस बाइक के लेके। तो उसी और बहुत सारे यार बेसिकली बहुत सारे मेरे को कुछ फ्रेंड्स ने और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने दे सेंड मी मैसेज ऑल्सो कि अपनी बाइक के बारे में, मैं कावासाकी वर्सेस इज़ द बाइक विच 650 विच मैं अभी राइड करता हूँ, जिसपे कि उसके बारे में कोई रिव्यू बनाए। सो स्टार्टिंग में मैंने इसको काफ़ी डिले किया इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मैंने को उस बाइक को थोड़ा यूज़ भी करना चाह रहा था कि मैं पहले उसको कहीं यूज़ तो करूँ, उसको कहीं एक अच्छी जगह जिस चीज़ के लिए वो बाइक बनी है या जो मैं ट्रैवलिंग करता हूँ उस जगह उसे लेके तो जाऊँ, तब उसके बारे में रिव्यूज़ बनाऊँ। तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि मैं उस बाइक को अभी कुछ इसी साल जनवरी में दिल्ली टू गोवा लेके गया, आई वेंट ऑन अ सोलो राइड फ्रॉम दिल्ली टू गोवा एंड बैक, एंड उसके बाद आई वेंट टू द शिंकुला ऑन दिस बाइक, और शिंकुला वॉज वन ऑफ द टफेस्ट क्लाइंब जो मैंने इस बाइक पे करी। उसके बाद मैं अभी रिसेंटली उसके बाद मैं बीच में अमृतसर भी गया एक छोटी राइड पे, 2 day राइड टू अमृतसर, इट वॉज लाइक अ क्विक फास्ट राइड। उसके बाद मैं अभी इस बाइक को लेके गया आपका लद्दाख एरिया में, और जो वॉज अराउंड 3000, जिसमें करीबन काफ़ी मतलब 600-700 किलोमीटर्स ऑफ रोडिंग थी, और काफ़ी मतलब ठंड थी बहुत थी। तो अब मैं इस बाइक को ऑलमोस्ट यू नो एक तरीके से काफ़ी टाइप के एनवायरनमेंट में और हार्श कंडीशन में, और खूब मतलब कि ये नहीं कि बस रिलैक्स मोड में, सुबह से लेकर रात तक 17-17 घंटे इस बाइक को खींचा है इन एवरीथिंग यू नो। सो अब मेरे को ऐसा लगा कि मैं इसके बारे में अगर मैं ओनरशिप एक रिव्यू बनाऊंगा आफ्टर 12,000 किलोमीटर्स, तो मेरे को लगा कि विल बी लिटिल बेटर फॉर यू गाइज ऑल्सो, और कि थोड़ा मतलब एक जेन्युइन से लगे कि हाँ बाइक को कुछ यूज़ किया है यू नो, उसको मतलब कुछ उसको यूज़ तो करा है कि जहाँ पे जिस टाइप के एनवायरनमेंट में लोग सोचते हैं कि उस बाइक को ले जाएं, तो वहाँ पे वो बाइक गई तो हो। सो गाइज मैं यही सोच के आज एक ओनरशिप एक्सपीरियंस जो 12,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं एक बनाना चाह रहा था, और इसको मैं सोच रहा था कि एक थोड़े से ना मतलब पूरा एक साथ वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, तो थोड़ा सब कैटेगरीज में इसको वीडियोज़ में बनाऊंगा मैं इसको पार्ट्स में। सो जो पहला पार्ट है उसमें आई विल बी इंक्लूडिंग टू थिंग्स, द फर्स्ट थिंग विल बी द माइलेज एंड द सेकेंड थिंग विल बी आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ और टेलिंग यू अबाउट द सीटिंग पोजिशंस एंड एवरीथिंग। तो द फर्स्ट थिंग जो मैं इस बाइक के बारे में कवर करना चाहता हूँ वो है कितना देती है भाई। ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे कहीं भी आप रेड लाइट पे भी रुकूं, मैं कहीं बाइक को कहीं ट्रैवल पे लेके जा रहा हूँ या कहीं भी होना, सब पूछते हैं भाई कितना देती है, और फिर मैं उसको बताता हूँ कि हाँ ठीक ठाक ही देती है, मतलब क्योंकि दे एक्सपेक्ट मतलब वट एवर, यहाँ पे तो इंडिया में मतलब 60-70-80 किलोमीटर पर लीटर का भी एवरेज देने वाली बाइक्स हैं। पर अगर मैं इस चीज़ को अच्छा लेट स्टार्ट इफ आई टॉक अबाउट माइलेज, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि इसकी फ्यूल लीटर जो उसकी कैपेसिटी है टैंक की, दैट इज़ 21 लीटर्स, यस इट्स अ ह्यूज टैंक 21 लीटर्स। और बेस्ट पार्ट है कि इसके लिए कोई अपना स्पेसिफिक कोई स्पेशलाइज्ड कोई फ्यूल पेट्रोल का जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल्स आते हैं ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल अनलेडेड पेट्रोल इसमें मस्त चलता है। अगर मैं डेली के अराउंड होता हूँ तो मैं थोड़ा सा
प्रीमियम कहीं मिल जाए, यू नो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो आता है, स्पीड आता है, वो डलवा लेता हूँ। वरना अगर राइड्स पे तो मैं कहीं भी गया हूँ तो आई पुट मतलब जो भी है अनलेडेड पेट्रोल जो सब डलवाते हैं वही डलवाता हूँ, एंड इट वर्क्स कम्प्लीटली फाइन। यू नो एवरेज आयल्स है कि इसका जो एवरेज है वो अराउंड, जब आप हाईवेज पे चलते हैं बहुत कुछ डिपेंड करता है हाईवेज पे आपके राइडिंग स्टाइल पे भी ऑल्सो, तो आई जनरली डोंट यू नो गो टू द लिमिट्स ऑफ आर पी एम्स, यू नो द आर पी एम लिमिट्स पे नहीं लेके जाता हूँ मैं ज़्यादातर, कि मतलब कि 8,000, 9,000, 10,000 पे जाके गियर चेंज कर रहे हैं, यू नो खींच रहे हैं, एक्सेलरेशन दे रहे हैं जैसे स्पोर्ट्स बाइक की तरह, आई डोंट मतलब आई डोंट जनरली डू दैट। सो द एवरेज वेरीज, जो मेरा एक ग्रुप भी है द एवरेज वेरीज फ्रॉम लाइक, मैंने 18-17 भी सुना है और मैंने 24-25 भी सुना है। माई बाइक गिव्स मी अराउंड जनरली, जब मैं अभी जब गोवा गया था स्टेट हाईवेज थे मतलब अच्छी स्पीड पे चली लगातार, तो अराउंड मेरे को उसने दिया करीबन अराउंड 22 के आसपास, मतलब 23-21 के आसपास, मतलब 21-23 के आसपास मेरे को एवरेज दिया इसने। बट दिस एवरेज गो अप, जब ये एवरेज मतलब एकदम से बढ़ जाता है जब मैं इसको कभी पहाड़ों पे लेके जाता हूँ, जैसे अभी मैं लास्ट राइड पे लेके गया इसको पूरा लद्दाख एरिया में 2,500-3,000 किलोमीटर कर कवर करके आया, तो वहाँ पे इस बाइक ने मेरे को एवरेज दिया अराउंड 28, मेरे को कैलकुलेशन के हिसाब से तो 29 समथिंग आ रहा था, पर ओवरऑल आई थिंक इट वॉज 28। पहाड़ों में क्या होता है कि अगर रोड्स अच्छी हैं, अगर आप बिल्कुल ऑफ रोडिंग चल रहे हो, खराब रोडों पे चल रहे हो, फर्स्ट गियर पे सेकंड गियर पे चल रहे हो, तो शायद एवरेज कम हो, पर अगर रोड्स अच्छी हैं, जैसे यहाँ से मनाली गए तो मनाली में बीच में काफ़ी स्ट्रेच रोड का काफ़ी अच्छा है, उसमें क्या होता है कि अगर आप कंट्रोल उसमें चला रहे हो, ये नहीं खींच रहे हो, तो थ्रॉटल ना हर टाइम नहीं खुला रहता पहाड़ों में, क्योंकि हल्का सा ढलान आती है, कर्व आती है, तो मतलब ऐसा नहीं है जैसे हाईवेज पे हो आप, जैसे आप हाईवे पे चल रहे हो 100, 120, 130, तो आपका थ्रॉटल कॉन्स्टेंटली ओपन है 120, 130 पे। पर क्या पहाड़ों में क्या होता है कि थोड़ा सा ना एवरेज बढ़ जाता है, ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है, जब मैं ZMR के साथ भी जाता था और उसके बाद जब मैं इसमें जा रहा हूँ तो एवरेज बढ़ जाता है। माइट भी आपके राइडिंग स्टाइल से भी फर्क पड़ता हो कि मैं मतलब कि जो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि एकदम से एक्सेलरेशन देके खींचना, फिर हैवी ब्रेकिंग, फिर खींचना, तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल कम हो जाएगा उसके बाद। तो यस, इट गिव्स मी एन एवरेज अराउंड 28 जब मैं पहाड़ों में लेके जाता हूँ। अभी जो मैं पूरा ट्रिप था उसमें काफ़ी करीबन 2,500-3,000 किलोमीटर में, आप ये समझ लो कि करीबन 600-700 किलोमीटर करीबन ऑफ रोडिंग टाइप था, मतलब रोड ख़राब थी, पर स्टिल सेकेंड गियर थर्ड गियर में अराउंड 40 के करीब चल रही थी, कुछ जगह बिल्कुल ही ख़राब थी। उसके अलावा माइलेज के बारे में, उसके अलावा अगर मैं सेकेंड चीज़ पे आता हूँ कि वो है इसकी सीटिंग। इसकी जो सीटिंग पोजीशन है वो आप ये कह सकते हो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बताने के लिए कि मेरी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 5'11" है, मतलब 10 और 11 के बीच में समथिंग। और जब मैं सीट पे कंफर्टेबल होके पीछे बैठता हूँ, मतलब एक तो होता है कि बिल्कुल टंकी के पास आगे होके आप बैठ रहे हो, एक होता है कि आराम से कंफर्टेबल होके मैं अगर उस पर बैठूँ तो बिल्कुल ना एग्जैक्टली मेरा जो फुट है वो बिल्कुल ज़मीन पे ना बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली नहीं लगता है। अगर मैं पीछे होके बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठूँ वो हल्का सा ना हल्का सा ऐसे रहता है फुट, हल्का सा, अगर थोड़ा सा मैं आगे हो जाऊँ तो वो फ्लैट हो जाता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरी इतनी हाइट है जो भी है, उसके अलावा इसकी जो मतलब कि जो सीटिंग है ना हाइट वो काफ़ी ऊँची है, बिकॉज इट्स एडवेंचर बाइक, सॉर्ट ऑफ एडवेंचर बाइक, तो उसका जो आपका ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी है, सो ऐसे इसकी जो राइडिंग सीट की जो पोजीशन है वो काफ़ी ऊंची है। सीटिंग्स आर वेरी कंफर्टेबल आगे वाले के लिए भी और पिलियन के लिए भी, जो पीछे बैठा है उसके लिए भी सीट काफ़ी ब्रॉड है, कुशनड है और वेरी गुड। तो सीटिंग डिपार्टमेंट में आई विल से कि इट्स अ बिग थम्स अप। एंड बस एक चीज़ है जो थोड़ा सा मेरे को लगता है इशू, कि जो सीटिंग है ना वो आप जब पीछे होके बैठते हो तो हल्का सा भी धीरे धीरे ना आप आगे खिसक जाते हो, थोड़ा टंकी के पास आ जाते हो, सीट ना बिल्कुल मतलब ये कहते हैं ना फ्लैटिश टाइप नहीं है कि अगर आप बैठे हो तो उसमें सेटल हो गए, वो हल्की सी ना ऐसे आप यहाँ बैठते हो हल्के हल्के तक खिसक के आप आगे आ जाते हो। उसके लिए कुछ लोगों ने मतलब जो ग्रुप है वहाँ पे थोड़ा बहुत R&D चलती रहती है, तो उसमें ये है कि आप जो यहाँ पे फोम है वो हल्का सा छील दो तो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, या फिर आप आगे जो सीट के नीचे जहाँ पे वो सीट लगती है वहाँ पे एक छोटा सा ना एक ऐसे यू टाइप लगा दो तो वो आगे से थोड़ी सी उठ जाती है। तो पीपल हैव टेस्टेड सम थिंग्स एंड फाउंड अ सॉल्यूशन, कुछ लोगों ने ऊपर और भी कंफर्टेबल कुशन करके सीट लगा रखी है, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर सीट इज़ वेरी वाइड एंड वेरी कंफर्टेबल एंड देर इज़ नो प्रॉब्लम। हाँ थोड़ा सा ये आगे खिसकने वाली हल्का सा एक इशू है जो मेरे को लग रहा है, मैं उसके लिए कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, बेस्ट सॉल्यूशन, देर आर फ्यू बट जो मेरे को बेस्ट लगे मैं अभी उसकी तलाश में हूँ, तो टिल देन इट्स ऑल गुड, सो नथिंग टू से अबाउट इट।
Anyway, so I told you about the mileage, I told you about the sitting position. So for the rest of the things, I'll come up with the next video about my ownership experience of Kawasaki versus 650. So till then, enjoy, do whatever you want to do, guys. Have fun and keep watching Falcon Riders.